हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे असम हाई स्कूल टेट और हाईर सेकेंडरी टेट के लिए प्रायोलोजी क्लास के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड के बारे में एक क्लास नंबर एट है इससे पहले क्लास आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इससे पहले क्लास के अंदर हम लोग टीचिंग के बारे में लर्निंग के बारे में जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के बारे में सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग के बारे में प्रोसेस ऑफ लर्निंग मेजर लो ऑफ लर्निंग रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो को कर शुरू करते हैं आज हम लोग टीचिंग मेथड के बारे में जानेंगे टीचिंग मेथड एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है बिलीफ है आइडिया है अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग विच इज ट्रांसलेटेड इन टू द क्लास जो कि क्लास के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है टीचिंग मेथड मे बी डिफाइंड एज अ डिवाइस और टूल्स यूज टू क्रिएट लर्निंग सिचुएशन इन विच इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट और लर्नर टीचिंग मेथड इज़ द एसमुलेसन गाइडेंस डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट फॉर लर्निंग टीचिंग मेथड का अलग अलग कैटेगरी है इसका जनरली चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है किया गया है सबसे पहला है टेलिंग मेथड इसके अंदर लेक्चर मेथड डिस्कशन मेथड स्टोरी टेलिंग मेथड आता है एक्टिविटी मेथड के अंदर प्रोजेक्ट मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आता है विजुअल मेथड के अंदर टेक्स्ट बुक मेथड डेमोस्ट्रेशन मेथड सुपरवाइज स्टडी मेथड आता है मेंटल मेथड के अंदर इंडक्टि इंडक्टिव डिडाक्ट्री मेथड आता है एनालाइज और सेंथसाइज मेथड आता है इसका और भी दो प्रकार से हम लोग डिवीजन कर सकते हैं सबसे पहला है टीचर सेंटर मेथड इसके अंदर लेक्चर मेथड मेथडस्ट्रेशन मेथड हिस्टोरिकल मेथड आता है चाइल्ड सेंटर पीपल सेंटर या फिर स्टूडेंट सेंटर मेथड है इसके अंदर प्रोजेक्ट मेथड डिस्कशन मेथड इंडक्टिव डिडक्ट्री मेथड या फिर हिस्टोरिक मेथड ये सब इसके अंदर आएगा और इस वीडियो में हम लोग चार इम्पोर्टेंट मेथड को डिस्कस करेंगे सबसे पहला है स्टोरी टेलिंग मेथड इन दिस मेथड इस मेथड के अंदर टीचर जो है स्टूडेंट के सामने स्टोरी डिपेक्ट करते हैं ग्रेटमैन का साइंटिस्ट का सोशल रिफॉर्मर का सेंट का या फिर रूलर का और इसका मेन पर्पोज होता है स्टूडेंट को मोटिवेट करना और उसका क्वालिटी डेवलप करना ग्रेट मैन का दिस स्टोरी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द लेसन टू और जो स्टोरी होना चाहिए वो लेसन के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेट होना चाहिए इससे क्या होता है स्टूडेंट का कॉन्सन्ट्रेशन लेवल इंक्रीज़ होता है थ्रो दिस स्टोरी टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट इन इज अनदर परपोज ऑफ दिस मेथड स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप करना इसका नेक्स्ट जो है पर्पोज है स्टोरी मस्ट बी इंटरेस्टिंग ऑलसो और इसीलिए स्टोरी को क्या होना चाहिए इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए स्टोरी ऑल्सो इंक्रीज द वोकेबेलिरी एंड थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट स्टोरी से वोकेबिलिरी और थिंकिंग पावर भी इंक्रीज होता है स्टूडेंट का इज़ बिलीव बाय मोस्ट हिस्टोरियन एंड साइकोलॉजिस्ट दैट स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द मेनी थिंग्स दैट डिफाइन एंड बाइंड आवर ह्यूमिनिटी ह्यूमेंस आर परेवस द ओनली एनिमल दैट क्रिएट एंड टेल हिस्टोरी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टेक्सबुक मेथड को डिस्कस करेंगे इन दिस मेथड टीचर रीड्स आउट द टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम लाउडली एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर टीचर जो है लाउडली जो है लेसन को रीड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को पीपल्स आर आल्सो गिवेन अपॉर्चुनिटी टू रीड द बुक लाउडली एंड साइलेंटली और पीपल्स को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया जाता है जो लेसन है उसको लाउडली और साइलेंटली रीड करने के लिए टू डेवलप देयर कॉम्प्रहेंशन पावर और इससे कॉम्प्रीहशन पावर इंक्रीज होता है द पर्पोज इज़ टू एनेबल स्टूडेंट कॉमांड ओवर द टेस्ट बुक इसका मेन पर्पोज है स्टूडेंट का कॉमांड डेवलप करना टेक्स बुक के प्रति बिकॉज टेक्स बुक इन व्यू द इंटरेस्ट एबिलिटी एंड नीड्स ऑफ पीपल्स वेरी मच टेक्स बुक डेवलप्ड अंडस्टैंडिंग एबिलिटी दे कैन अंडरस्टैंड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो विदाउट टेकिंग एनी बॉडीज हेल्प इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेक्चर मेथड को डिसकस करेंगे ये जो है सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड है इसको चौक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है इन दिस मेथड टीचर डिलीवर लेक्चर ऑन डिफाइन पॉइंट ऑफ ए टॉपिक विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ नोट्स इस मेथड के अंदर टीचर जो है लेक्चर डिलीवर करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बिना नोट्स का हेल्प लिए हुए इससे कॉन्सेंटेशन अटेंसन लेवल इंक्रीज़ होता है स्टूडेंट के अंदर ही आक्स क्वेश्चन सेवरल टाइम इन द मिडिल और डिस्कशन का समय पे टीचर जो है क्वेश्चन भी आक्स करते हैं द लेक्चर ऑफ द पीपल इज़ सो लॉजिकल लेक्चर जो है इतना लॉजिकल और सिस्टमेटिक और एटेक्टिव होता है जो कि बहुत ही कम समय में होल लेसन जो है बहुत ही क्लियर माध्यम से समझ में आता है और एग्जाम्पल भी दिया जाता है लेक्चर मेथड के अंदर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई करने के लिए एक जो है सबसे ईजी और इफेक्टिव मेथड है लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक जो है लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल का एगेंस्ट भी मेथड इसको कहा जाता है इससे लिसनिंग स्किल डेवलप होता है इससे टाइम सेव होता है यह सबसे इकोनॉमिकल मेथड और सबसे ज़्यादा यूज मेथड लेक्चर मेथड ही है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन मेथड डिस्कस करेंगे इन दिस मेथड टीचर डिस्कस ए मेटर विद द पीपुल ऑन वन हैंड एंड द स्टूडेंट डिस्कस द सेम डेमसेल्व इसके अंदर टीचर जो है कोई भी मैटर को पीपुल्स के साथ डिस्कस करते हैं और स्टूडेंट को भी चांस दिया जाता है एक दूसरे के साथ डिस्कसन करने के लिए इट कैन भी फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टूडेंट ट्राई टू डोमिनेट अदर थ्रो लॉजिकल आर्गूमेंट दे क्रिटिसाइज इच अदर विद देर ओन लॉजिक डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कशसन मेथड यानी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है इट डेवलपड एबिलिटी ऑफ टॉलरेंस इन स्टूडेंट एटीट्यूड एंड एपीट्यूड ऑफ स्टूडेंट कैन आल्सो बी मेजर थ्रू दिस मेथड इस मेथड के माध्यम से एटीट्यूड और एपीट्यूड दोनों ही मेजर किया जा सकता है टीचर प्रोवाइड ओपन एंडेड क्वेश्चन इट डेवलप स्टूडेंट एक्सप्रेशन पावर टीचर जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन देते हैं और इससे जो है एक्सप्रेशन पावर भी डेवलप होता है तो यह सब था चार इंपोर्टेंट मैथड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी मैथड को डिस करेंगे इस वीडियो में इतना ही रहेगा